अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस हब। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे रूटीन की बुनियाद पर शेयर करते हैं क्रिप्टो मार्केट के कंप्लीट एनालिसिस, आगाही देते हैं आपको BTC के बारे में और बताते हैं कि क्रिप्टो मार्केट आगे क्या जो है सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। इसके ऊपर हम कंप्लीट डिस्कशन करते हैं ताकि आप नेक्स्ट 12 आवर का टारगेट ले सकें जो हम आपके लिए सेट करते हैं, बिल्कुल ही सेफेस्ट वन। और साथ आज आपके मैं शेयर करने वाला हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त और अहम खबर कि एक बहुत ही मायनास वॉलेट ने, एक्सचेंज ने एक अपनी ऑडियंस के साथ बहुत बड़ा जो है कि एक फनकारी लगाई है, उसके ऊपर हम बात करेंगे वीडियो के मिड में जाकर के, जो आज की सबसे बड़ी न्यूज़ है और इसका इम्पैक्ट उस एप्लीकेशन के ऊपर क्या आ सकता है। और वो एप्लीकेशन इस वक्त मार्केट में बाइनांस के लेवल की है और उन्होंने कई ऐसी अनरजिस्टर्ड कॉइन्स को लिस्ट किया है जो उनके एक्ट के मुताबिक उसके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। तो उसके ऊपर हम कंप्लीट बात करेंगे और साथ आपको मज़ीद आगाही देंगे किसी ना किसी कॉइन के रिव्यू के बारे में जिसमें आप इस वक्त उसका चाम देकर स्टक हो चुके हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट टारगेट लेने के लिए, नेक्स्ट मूव लेने के लिए और आपके जितने भी सवालात हैं कि अब अगले 12 घंटों में मार्केट में क्या सूरत हाल हो सकती है, उसके ऊपर हम तफसीलन बात करेंगे। आपने क्या करना है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल फ्रेश हैं तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन फ़ौरन मिलता रहे तो बेल आइकन के बटन को क्लिक ज़रूर कर लीजिएगा। और हमारे सपोर्टिंग चैनल अल मक्का टेक बाय उस्मान हुसैन पर, जिसमें हमारी तमाम मिडनाइट की जो अपडेट आती हैं उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इन सब चीज़ों के लिंक्स आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जल्दी से बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। तो व्यूअर्स, नाउ वी आर इन द मार्केट। इससे पहले कि हम आज की ताज़ा तरीन खबरों का सिलसिला शुरू करें, मैं आपको बता दूं कि आज दिन के आगाज़ में ही मार्केट में $10 बिलियन का फिर से इजाफा हो चुका है, जो एक बहुत ही अच्छा साइन है। मार्केट में एक मरतबा फिर से हमारे जो जितने भी आल्ट कॉइन्स हैं उनमें इस वक्त इजाफा होता दिखाई देने लग गया है, जबकि इस कैपिटलाइजेशन ने अभी इथेरियम और BTC के प्राइस में कोई ख़ासा इजाफा नहीं किया। ये भी चीज़ हमें पहली दफ़ा देखने को मिल रही है कि कैपिटलाइजेशन बढ़े और इन दो कॉइन्स की प्राइस में इजाफा ना हो, लेकिन अल्ट कॉइन में से कुछ ऐसे कॉइन्स हैं जो इस वक्त बूस्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, वो कौन से कॉइन्स हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे और उसके बाद हम अपने नेक्स्ट 12 आवर के टारगेट पर डिस्कस करने वाले हैं, और साथ आज की ताज़ा खबर भी आपसे शेयर करूँगा जो इस वक्त मैंने वीडियो के आगाज़ में आपसे इसका जो तस्करा किया। बात कर लेते हैं हमारी मिडनाइट मार्केट से लेकर अब तक बिटकॉइन के प्राइस की, तो इसमें $100 की कमी हुई है और मार्केट यहां पर आकर दोस्तों स्ट्रक दिखाई दे रही है। और किसकी मार्केट स्ट्रक दिखाई दे रही है दोस्तों, BTC की और इथेरियम की, जबकि आल्ट कॉइन्स में से बहुत आल्ट कॉइन जिनका भी मैं जल्द ही जिक्र करने वाला हूं वो वर्क कर रहे हैं, यानी कि कैपिटलाइजेशन कुछ डिफरेंट वे में हो रही है। आपने ये चीज़ तो सुन रखी है और आपको पता भी होना चाहिए, और मैं भी आपको एजुकेट कर रहा हूँ एक ज़माने से कि BTC क्रैश करता है तो डेफिनेटली बाकी कॉइन्स को असर पड़ता है। लेकिन यहाँ पर एक नई चीज़ मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि बाज़ुकात BTC में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही होती। BTC डोमिनेंस में अब अगर हम बात करें तो सरमायाकारी में अच्छी खासी कमी आज हमें देखने को मिल रही है 1.2% की, जो मेरे नज़दीक बहुत बड़ी कमी वाक़या होती दिखाई दे रही है और मैं इसे कंसीडर भी करता हूँ। सबसे बड़ी चीज़ है कंसीडर करना। तो दोस्तों, अब वो जो पैसा है जो मार्केट में आ रहा है और जा रहा है तो वो किन कॉइन्स में आ रहा है उसकी बात करेंगे हम आगे चल करके। BNB की दोस्तों प्राइस की बात करते हैं तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं, $1 की कमी हुई है। और इथेरियम की प्राइस में मैं आपसे डिस्कस करना भूल गया, वीडियो को रिवर्स कर लेता हूँ कि उसमें हमें इस वक्त $22 की कमी हो रही है, ठीक है। और हमारा टारगेट आज बहुत ज़बरदस्त था, क्या हमने वो टारगेट अचीव किया, क्योंकि हमारा टारगेट यही था, हमारा टारगेट था 2925, किसका, इथेरियम का, यानी कि 2925। तो इसके ऊपर हम आगे चल करके बात करेंगे कि क्या हमारा टारगेट अचीव हुआ और आपने उसमें क्या अर्निंग की $30 से $40 की। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं टेरा लूना के प्राइस की। ये जहां पर थे टेरा लूना, सोलाना, एवेक्स, ये एग्जैक्टली हमें वहीं देखने को मिल रहे हैं, तो दिस इज़ द साइन ऑफ, इसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। ये एग्जैक्टली इस वक्त अकॉर्डिंग टू द मार्केट स्ट्रक हैं, जिनमें हमें इस वक्त बूस्ट दिखाई दे रहा है, हम उसके ऊपर बात करेंगे और वीडियो का असल फ़ायदा उठाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक साइन देना चाहता हूँ, वो कॉइन जो एक मुद्दत से स्ट्रक थे आज वो काम कर रहे हैं। ADA में हमें परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। ADA जो 75 सेंट पे जा चुका था आज वो 90
सेंट में आ चुका है। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि क्या इसमें एंट्री ली जाए, तो दोस्तों आप ADA में शॉर्ट एंट्री लेकर के अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, मतलब $200 से अगर आप इसमें शॉर्ट एंट्री लेते हैं स्पॉट ट्रेडिंग करके ही, फ्यूचर ट्रेडिंग में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, स्पॉट ट्रेडिंग में ही आप अभी बाय कर लेते हैं और ये आपको 8-9 सेंट का यानी कि जिसमें मुझे भरता हुआ जो चाम है वो दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये वही कॉइन थे जो हिल नहीं रहे थे लेकिन आज ये कॉइन्स हिल रहे हैं। अब ADA में हमें मूवमेंट दिखाई दे रही है, पोलका डॉट में और डोज कॉइन में सुबह से एक मूवमेंट आई लेकिन अब डोज कॉइन स्ट्रक हो चुका है। 01226 01225 के दरमियान इसके ऊपर मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी सिग्नल्स दिए थे दोस्तों, लेकिन अभी ये कॉइन फ़िलहाल मैं समझता हूँ कि इसमें कोई मूवमेंट नहीं है, और अगर आपको थोड़ी देर तक 3 घंटे तक इसमें कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिलती तो आप इसमें से एग्जिट ले सकते हैं। शिबा इनू की बात करते हैं दोस्तों, इसमें फिर से एक स्लाइटली मूवमेंट दिखाई दे रही है। अब हो क्या रहा है कि वो कॉइन्स जो मीम कॉइन भी कहलाते हैं या मीम से अगले दर्जे पे जा चुके हैं वो इस वक्त मूव कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत बड़ा सरमाया आ चुका है लेकिन इनमें इन्वेस्टमेंट का जो एलिमेंट था वो अब हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में आपने क्या करना है दोस्तों, क्या आपने अगली कैपिटलाइजेशन का मार्केट में आने में वेट करना है? याद रखिएगा कि सरमायाकारी पे नज़र रख कर भी आप बहुत अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि मार्केट में पैसा आ रहा है या जा रहा है तो आप फंस सकते हैं। तो आज शिबा इनू फिर से रिकवर कर रहा है लेकिन स्ट्रक है, एंट्री लेते वक्त थोड़ी सी एहतियात कीजिएगा। और मैं समझता हूँ कि मार्केट में जब तक मज़ीद और पैसा नहीं आता, क्योंकि जितनी भी मार्केट में ताकत थी 189 ट्रिलियन को लेकर के उतना बूस्ट हमें देखने को मिल चुका है। अब हम क्योंकि चाहते हैं कि मार्केट और स्टेबल हो, तो दोस्तों अफसोस की बात यह है कि मार्केट 42,500 पे स्टे नहीं कर रही। हमारी स्ट्रॉन्गर जोन को अब वो जो मैंने लास्ट 3 दिन से सेलेक्ट की हुई है उस पर वो जा ही नहीं रही। इससे हमें मालूम होता है कि मार्केट में थोड़ा सा रिवर्स होने की ताकत वापस आ रही है, क्योंकि देखिए ये एक डायरेक्ट इंडिकेशन है। अब बात करते हैं कॉस्मो, LTC, नियर कॉइन, चेन लिंक के बारे में, तो एग्जैक्टली इनकी प्राइस में सेंट्स में कमी हुई है, नॉट इन डॉलर्स, सेंट में कमी हमें होती दिखाई दे रही है हमारी मिडनाइट वीडियो के अकॉर्डिंग। और BTC की बात करते हैं, BCH की बात करते हैं दोस्तों, तो ये $322 से अब ये भी थोड़ा सा सेंट्स में कम हो रहा है। अच्छा ये क्यों होता है मैं वो फिर बता देता हूँ। अब यहाँ पर विड्रॉल भी चलते हैं, मैं हूँ जैसे कि मैंने इन्वेस्टमेंट की है, मुझे ज़रूरत पड़ गई, मैं सोचता हूँ बस काफ़ी है मेरे लिए इतना प्रॉफिट, मैं विड्रॉल लेता हूँ। जब विड्रॉल होना शुरू होते हैं तो सेंट्स में कमी होती है, ठीक है, फिर हमें उसी वक्त पता चलता है कि मार्केट अब किस तरफ का रुख अख्तियार कर रही है, और एकदम से पता चलता है जी $20 बिलियन की कमी हो गई थी, और मेरे नज़दीक जो क्रैश ऑफ मार्केट है वो है $30 बिलियन से स्टार्ट हो जाता है। जब $30 बिलियन तक मार्केट से पैसा निकल जाता है तो फिर कॉइन गिरना शुरू हो जाते हैं। तो खैर उस वक्त फिर डॉलर्स में फ़र्क आता है। अभी बात करते हैं, अभी तो फ़िलहाल सेंट्स में हमें कमी देखने को मिल रही है, लेकिन फिर भी सहारे के तौर पर $10 बिलियन का इजाफा हो चुका है। ETC की बात करते हैं दोस्तों, तो इसकी परफॉर्मेंस किसी भी कॉइन से ज़्यादा बढ़ के हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि इथेरियम 2900 से मुसलसल ऊपर जो है वर्क कर रहा है, तो ETC $32 से $36 पे पहुंच गया है सिर्फ रात की वीडियो से लेके अब तक, यानी कि हमारे टॉप स्टेबल कॉइन्स में से एक ये दूसरा कॉइन है जो वर्क कर रहा है। और मैं समझता हूं कि आप इसमें आज थोड़ी सी एंट्री लेकर के ट्रेड कर सकते हैं, मतलब आप इसमें $400 to $500 की एंट्री लेकर के अच्छा स्मार्ट इनकम गेन कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों डिसेंटरलैंड माना की और सैंडबॉक्स की, तो ये मूव ही नहीं कर रहे, इनके अंदर कोई मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिल रही। अब बात करते हैं मोनेरो कॉइन की, तो 196 से ये एक मरतबा फिर 201 पे तेज़ी से जा रहा है। अब इसमें दोस्तों एंट्री का टाइम तब शुरू होगा, आप इसे 200 पे भी बाय कर सकते हैं, लेकिन तब जब आपने ये देखना है कि मार्केट में वो जो शुरू में मैं आपको कैपिटलाइजेशन बताता होता हूँ, वो आपने अगर कोई अच्छी सी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखी है तो आपने देखना है कि अगर आज की जो सरमायाकारी है वो है 1.89, अगर अभी आप थोड़ी देर बाद देखें और सरमायाकारी 191 हो गई या 192 हो गई तो आप मोनेरो में एंट्री ले लीजिएगा। ये ऐसी मिथ मैं आपको बता रहा हूँ कि इंशाल्लाह ताला यूट्यूब पे कम से कम कोई शख्स आपको नहीं बताएगा, क्योंकि उनका अपना कारोबार बंद हो जाएगा। वो आपको जो गेमें खेलने के तरीके और आपको फजूल चीज़ें बताते हैं जिसे पाकिस्तान के 90% लोग नहीं जानते कि
इसमें पैसा लगाओ, उसमें पैसा लगाओ, गेमें खेलो, $30 लगाओ। दोस्तों काम की बात यह है कि जो आपको कोई बताता ही नहीं है कि ये टिप्स हैं जिन्हें फॉलो करके अर्निंग की जा सकती है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बताई हुई टिप को फॉलो करते होंगे, क्योंकि मैं रोज़ रोज़ मैं भी नहीं बताता, एक बात बार बार करते रहो तो वीडियो का चार्म ख़राब हो जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों वेव्स कॉइन के बारे में। इसमें $1 की कमी हुई है, FTM भी डाउनफॉल का शिकार हो रहा है, फिल भी, और APE को तो मैं खैर डिस्कस किए बगैर नहीं रह सकता। $17 का चार्म लगा करके दोस्तों ये 11.45 पे आ चुका है। ये परसों की बात है, मैंने ये 14 पे खड़ा था और मैंने इसकी प्रिडिक्शन की सेपरेटली भी और डेली क्रिप्टो मार्केट एनालिसिस में भी, तो मुझे बड़ा ज़बरदस्त तनकीद का सामना हुआ। ओके सर, आप हमेशा नामुमकिन टारगेट देते हैं। मैं ऐसी तमाम ऑडियंस को एक ही साथ दोस्तों जवाब देना चाहता हूँ कि आज दूसरा दिन है, अभी दूसरे दिन का आगाज़ हुआ है। APE क्वाइन आपको 11.48 पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। मेरी वीडियो के बंद होने के बाद ये अभी और नीचे जाएगा। मैंने तो आपको 10 का टारगेट दिया था, अब आप 14 में लेके फंसे हुए हैं, कोई 15 में लेके फंसा हुआ है, किसकी वजह से? ज़हन में रखिएगा, आपको अपनी लालच ने मरवाया। तो मैं ये समझता हूँ कि अपनी लालच से बचें, और यही वो तरीका है कि क्रिप्टो में हर बंदा पैसा गंवा रहा है, हर बंदा पैसा गंवा रहा है। यही वो रीज़न होती है कि आप गेनर्स में फंस जाते हैं, आपको क्रिप्टो में नेटवर्किंग करनी नहीं आती, काम करना नहीं आता, और आप बहादुरी समझते हैं जी ये कॉइन गेन हो रहा है, पा दो पैसे, ठीक है। अब आप स्ट्रक हो चुके हैं उसके अंदर, तो आप $15 वाला, $14 वाला, हज़ारों मेरे ऐसे व्यूवर्स हैं, मुझे मेल्स भी आ रही हैं, मैसेजेस भी आ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या वॉइस मैसेज भी आ रहे हैं, सर मैं APE में फंस गया। तो दोस्तों वो तो लेके निकल जाते हैं पैसे, ठीक है। कॉइन ये इतना बड़ा नहीं था जितना इसमें चार्म लग गया, तो अब आपको ये भुगतना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि, और यकीन कीजिएगा, मैं मौके की तलाश में नहीं हूँ। अफसोस है मुझे इस बात का कि मैंने सभी को बोला कि अभी आप इसमें एंट्री ना लें। मैंने $9 पे एंट्री का बोला था, और 9 में अगर किसी ने एंट्री ली थी वो तो अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट में है। ये बात है मेरी 4 दिन पहले की वीडियो की। अब बात करते हैं दोस्तों, बात एक ही कॉइन पे काफ़ी लंबी हो गई है, कि एक्सी इन्फिनिटी में हमें $2 का रात की निस्बत इजाफा देखने को मिल रहा है। दिस इज़ द 7th कॉइन, ठीक है। और रियोनी कॉइन, जिसे मैं आपको काफ़ी दिनों से रिकमेंड कर रहा हूँ, इसने भी वर्क करना शुरू कर दिया है। रोनी पहले 7 पे था, फिर 8 पे आया, और अगर हम अभी की बात करें तो हमारी रात की वीडियो की निस्बत ये $1.20 का इजाफा हमें दिखा रहा है। तो दोस्तों अभी भी आप इसमें एंट्री ले सकते हैं रोनी कॉइन में। मुझे ऐसे लगता है कि आप इसमें $100 की एंट्री लेकर के $10-15 गेन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मार्केट बड़ी जो है वो अनसर्टन है। मेरी ये कोशिश है और मेरी दुआ भी है कि अगर थोड़ा सा यहाँ पर अगर सरमाया बढ़ जाता है तो रोनी कॉइन आपको $15 तक का हाई लगाता दिख सकता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों, थीटा ने रिवर्स कर लिया है, HNT ने भी रिवर्स किया है, जी कैश मुसलसल अपनी प्राइस में कीमत में इजाफा करता दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों जी कैश की प्राइस में हमें दिन ब दिन इजाफा होता दिखाई दे रहा है, और इसने अभी तक के पिछले तकरीबन 2 माह के तब सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, और रात के निस्बत अभी तक इसमें $2 का इजाफा हो गया। ये है हमारे मोस्ट स्टेबल कॉइन में से 8th कॉइन जो मुसलसल परफॉर्मेंस दे रहा है, और इन कॉइन्स में आप एंट्री ले सकते हैं, लेकिन उसके टारगेट को आपने भी फॉलो करना है, कुछ मेहनत आपने भी करनी है। सारा कुछ अगर आप मुझ पे छोड़ देंगे तो यकीनन आप नुकसान उठाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक गाड़ी है तो उसका पहिया एक इंसान नहीं चला सकता, एक गाड़ी हमेशा 2 पहियों पर चलती है। तो आपने जिन कॉइन्स का मैं आपसे जिक्र करता हूँ इनमें आपने ज़रूर एंट्री लेनी है और सोच समझ के लेनी है। अब लास्ट में दोस्तों बात करते हैं, क्योंकि STX, कुसामा सभी कॉइन्स इस वक्त स्लो हैं, लास्ट में आपसे बात करना चाहता हूँ डैश कॉइन के बारे में। दोस्तों हमारा ये 10वां कॉइन होगा जो मुसलसल परफॉर्म कर रहा है डैश, और मैं समझता हूँ कि इसमें भी अभी भी आप एंट्री लेकर के कुछ ना कुछ अर्न कर सकते हैं, और लेकिन यहाँ पर मार्केट के डाउन होने का आपने ख्याल ज़रूर रखना है। ये मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ दोस्तों तकरीबन $88 से, 95 पर भी मैंने आपको रिकमेंड किया, 100 पे भी मैंने आपको रिकमेंड किया, और अब ये 110 पर आ चुका है। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि आप इसमें भी मार्केट को फॉलो करते एंट्री ले सकते हैं।
तो दोस्तों अब बढ़ते हैं जल्दी से बीटीसी और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ, ताकि हम मजीद डिस्कशन करके अपने नेक्स्ट 12 और को मजीद मजबूत कर सकें और हमें यह भी मालूम हो कि अब मार्केट ने किधर का रुख इख्तियार करना है। तो व्यूअर्स, नाउ वी आर इन द चार्ट ऑफ बीटीसी और हम बात करते हैं हमारे टारगेट की। तो दोस्तों हमारा टारगेट था 41,400 और मार्केट ने एक नया लो लगाया है 41,644 का, यानी कि हम अपने टारगेट के बहुत ही ज़्यादा करीब थे। और ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि आप यहाँ पर अपना टारगेट जब 200-250 का फर्क हो तो आप टारगेट में एंट्री ले सकते हैं। तो जिस दोस्त ने भी 41,644 पे भी एंट्री ली है, तो अभी भी मार्केट आपको बीटीसी में एक अच्छा प्राइस दिखा रही है। और लो हाई की बात करें तो लो हाई में बहुत ज़्यादा चेंजिंग भी आई है। रात का लो था 41,062, अब का है 644, और हाई जो था वो $42,059 था, अब अगर हम हाई देखें तो 42,316 है, यानी कि इसमें करीब 270 के करीब डॉलर में बीटीसी ने अपने प्राइस में इजाफा किया है। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं जल्दी से मार्केट की तरफ, कैंडल चार्ट की तरफ। तो यहाँ पर हमें जो न्यू कैंडल बनती दिखाई दे रही है वो है बेरिश मदर कैंडल बनती दिखाई दे रही है हमें यहाँ पर, लास्ट वन। तो जाहिरी बात, हमने लास्ट वन कैंडल को ही फॉलो करना है। तो ये हमें साइन दे रही है कि मार्केट यहाँ से क्रैश करेगी। तो ये साइन इसलिए आ रहा है दोस्तों कि मार्केट 42,300 का हाई लगा चुकी है, तकरीबन $400 का लो लगाने के बाद मार्केट फिर रिकवर कर रही है 0.58% के इजाफे के साथ। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक और बात बता दूँ कि जब हमने कैंडल चार्ट और बीटीसी के प्राइस डिस्कस करने होते हैं तो हमें यहाँ पर एक चीज़ नहीं देखनी होती, कैपिटलाइजेशन भी देखते हैं हम कि मार्केट में कैपिटलाइजेशन कितनी आ रही है, किस कॉइन में पैसा आ रहा है ये भी। और उसके बाद कोई भी कॉइन अगर बूस्ट करता है तो उसकी रीज़न भी बीटीसी में प्राइस आने की भी वजह होती है। ऑल्ट कॉइन में इंफॉर्मेशन आ रही हो तो ऑल्ट कॉइन में भी पैसा ज़्यादा आता है। तो लिहाजा कोई पांच और इकसाम हैं जो, जैसे कि अभी हमें 0.58% का इजाफा भी देखने का मिल रहा है, न्यूज़ भी इफेक्ट करती हैं। तो यहाँ पर फिलहाल आज की हम अगर डिस्कशन करते हैं कैंडल्स के थ्रू, तो अभी तक तो मार्केट में दोस्तों कोई ऐसी न्यूज़ एंटर नहीं हुई जो मार्केट को क्रैश करे। तो आ जाए ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए हमें हमेशा अपने आप को संभल कर ट्रेड करवानी होती है। यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, ये 4 आवर की कैंडल चार्ट में हमें यहाँ पर मार्केट क्रैश होती दिखाई दी है। ये वही क्रैश है जो 4 घंटे के दरमियान हमें $600 से $500 का देखने को मिला। अब क्योंकि मार्केट फिर संभल रही है, यहाँ पर एक कैंडल बनी है जो मैंने आपको फुल डे चार्ट में बताया, और अब ये 4 आवर में हमें बता रहा है कि यहाँ पर एक बुलिश इंगेल्फिंग कैंडल बन सकती है, लेकिन अभी शेडो उसका नीचे की जानिब है तो ये कैंडल बढ़ेगी। इसका शेडो मैं बता रहा है दोस्तों कि मार्केट ने 41,999 का हाई लगाया है और उसके बाद अभी ये 42 को क्रॉस नहीं कर रही। एज आई सेड बिफोर कि हमारा जो स्ट्रॉन्गेस्ट जोन है 42,500 होगी, वहाँ पे जाके मार्केट को रेजिस्ट करना होगा, खड़े होना होगा। अगर मार्केट वहाँ पे नहीं खड़ी होती, आपको पैसा लगाने से थोड़ा सा परहेज करना होगा। स्टेबल कॉइन्स में पैसा आप ज़रूर लगा सकते हैं, जिनकी मैं डिस्कशन शुरू में हमेशा करता हूँ, इसलिए कि स्टेबल कॉइन्स में रिकवरी बड़ी जल्दी हो जाती है। अल्लाह ना करे आप आज स्ट्रक हो जाते हैं किसी भी स्टेबल कॉइन में, वो आपकी रिकवरी हो जानी है जब मार्केट ने थोड़ा सा बूस्ट लगाना। तो अभी अकॉर्डिंग टू द पास्ट डेज मार्केट में 2,500, 3,000, $4,000 का इजाफा हुआ है बीटीसी की प्राइस में, तो ये एक अच्छा साइन है। तो दोस्तों अब फॉलो करते हैं हम कैंडल्स को। तो कैंडल के अकॉर्डिंग मार्केट में संभाला आ गया है, लेकिन मार्केट हमें ऊपर जाती अगर दिखाई दे रही है तो इस वीडियो के 3 घंटे बाद आपने मार्केट को वॉच करना है, क्योंकि 5 बजे अगर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो फिर आप सबकी ये शिकायत होगी कि सर आपने तो सर के ऊपर आके वीडियो डाली, हमें तो समझ नहीं लगी। इसीलिए ये दोपहर की वीडियो मैं आपको 3 से 4 घंटे पहले देता हूँ, ताकि आप 5 बजे अलर्ट रहें। मार्केट मुझे ऐसा लग रहा है कि 42,500 तक जाएगी, उससे आगे मुझे फिलहाल जाती दिखाई नहीं दे रही। अगर ऐसा हो जाता है तो इट्स अ गुड साइन, और हमारा जो टारगेट होगा वो फिर से वही है 41,400 में ही आपने एंट्री लेनी है, क्योंकि यही सूटेबल टारगेट है। और वही कॉइन होंगे जिनका मैं आपको रात भी जिक्र कर चुका हूँ, लूना, सोल, एवेक्स, शिबा इनू को आपसे मैंने कहा था मिस मत कीजिएगा। रात को भी जब ये 4023.5 पे जा चुका था और अब फिर 4024 पे आ चुका है, तो रात वाले बायर $200 या $300 वाले इस वक्त प्लस में ही होंगे। आगे बात करते हैं दोस्तों XMR, FTM, AXS और HNT और Zcash कैश में आपने BTC को ही फॉलो करते हुए आपने एंट्री लेनी है, और 3 घंटे बाद आपने कैंडल चार्ट 4 आवर का ज़रूर देख लेना है, ताकि आपको ट्रेड लेते हुए बेहद आसानी हो सके। और मेरी कोशिश है कि मैं जल्द आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो शेयर करूं जिसमें आपको डेली अर्निंग के तौर पे भी
एक क्वाइन कुछ मैं प्रोवाइड कर सकूं। अब बढ़ते हैं जल्दी से इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। व्यूअर्स, नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ इथेरियम। हमारा टारगेट था 2925 यानी कि 2925 और मार्केट ने लो लगा दिया 2910 का, यानी कि हमारा टारगेट अचीव। और उसके बाद मार्केट का जो हाई है वो चेंज नहीं हुआ, ठीक है। मार्केट का हाई जो है वो 2979 रात को भी था, अभी भी 2979 हमें देखने को मिल रहा है। लो में चेंजिंग आई है क्योंकि रात का लो था 2924 और अब का लो है 2910। तो हमारा जो बायर है वो इस वक्त बहुत ही कम प्रॉफिट में है, यानी कि $8 के। हमारे टारगेट के अकॉर्डिंग आपने अगर इथेरियम में एंट्री ली है तो $8 के आप प्रॉफिट में हैं, और अगर आपने 2910 में एंट्री ली है तो भी आप प्रॉफिट में हैं। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, बड़ा नपा तुला हो सकता है क्योंकि इथेरियम जो है वो 3000 क्रॉस तो कर नहीं सका। तीसरा सेशन है, इथेरियम सो चुका है 29 को क्रॉस करने के बाद, और अब ये जो 2928 पे आके ये खड़ा हो गया है, ये हमें क्या साइन दे रहा है, ये हमें कैंडल चार्ट से पता चलेगा। तो दोस्तों कैंडल चार्ट में मार्केट इसकी क्रैश कर रही है, ठीक है। इथेरियम की मार्केट यहाँ पर क्रैश कर रही है, जो कि अच्छा साइन नहीं है। एक लंबे अरसे से इथेरियम ने हमें परफॉर्मेंस दी, 25 का सफ़र था ये, 2500 से स्टार्ट हुआ 2980 तक गया, लेकिन अब रुक गया। आखिरी कैंडल टॉप के ऊपर बनी, स्प्रिंग कैंडल, बुलिश स्प्रिंग कैंडल, याद रखिएगा। जब बुलिश स्प्रिंग कैंडल टॉप पे बन जाती है, पहले भी बता चुका हूँ, तो उसके बाद मार्केट क्रैश करती है। अब मार्केट क्रैश कितनी हुई है, $50 की, और यहाँ पर हमें हैमर हेड बनती दिखाई दे रही है, ये स्प्रिंग भी बन सकती है। अच्छा, अगर ये स्प्रिंग बन जाती है, क्योंकि अभी इसका चेहरा पहचाना ही नहीं जा रहा, अभी इसे अगर हम गौर से देखें तो ये हैमर हेड है, हैमर हेड इसे आगे फेंकेगी, ठीक है, और ये जो है क्रैश होती जाएगी। लेकिन अगर ये स्प्रिंग बन के थोड़ी सी स्प्रिंग हो जाती है ग्रीन की तरह, ए इसी की तरह पीछे वाली की तरह, और ये ऑरेंज ही रहती है, तो मार्केट को ये एक नया ट्रेंड देखने को मिलेगा। अब फोर और की कैंडल में चलते हैं, तो वहाँ से हमें दोस्तों अंदाज़ा होगा कि फोर और में सूरत हाल क्या बन रही है। अगर वहाँ पर टू टाइम कैंडल जो है बन चुकी है क्रैश की, एक हैमर हेड है, उससे पहले स्प्रिंग है, फिर एक डॉट के बाद फौरी तौर पे एक ग्रीन डॉट बन रहा है जो मार्केट को थोड़ी सी सपोर्ट दे रहा है, तो मैं समझता हूँ कि हमारा अब का जो टारगेट होगा वो होगा 2890 में दोस्तों आप एंट्री ले सकते हैं, और वो भी जिस तरह पहले बताया कि आपने थ्री और के बाद मार्केट को विजिट करना है, क्योंकि मार्केट इससे ज़्यादा भी अगर क्रैश होने पर आई तो होगी, लेकिन आप अपना टारगेट अचीव कर लेंगे। तो 2890 आपका टारगेट होगा एंट्री का, और क्योंकि मार्केट अभी फौरी तौर पे यहाँ पर स्ट्रक है, तो हमें इसमें अब इसको देखते हुए, इथेरियम के कैंडल चार्ट को देखते हुए, हमने किस कॉइन में एंट्री लेनी है उसकी भी अब बात कर लेते हैं। वो वही कॉइन है जिसको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि BNB, BCH, KSM, KDA, CVX और डैश को मिस मत कीजिएगा। डैश रात को 103 पे था, इस वक्त 110 पे है और मुसलसल परफॉर्मेंस दे रहा है। तो दोस्तों होपफुली कि आपको ये जो एनालिसिस है वो फ़ायदा देंगे। अब जल्दी से बढ़ते हैं आज की फ्रेश न्यूज़ की। दोस्तों अब बात कर लेते हैं उस न्यूज़ की जिसकी डिस्कशन मैंने वीडियो के आगाज में आपसे की थी कि कॉइन बेस एप्लीकेशन को आप में से कौन दोस्त होगा जो नहीं जानता होगा। एक बहुत ही ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है ट्रेड करने के लिए, और इंटरनेशनल लेवल पर भी आपको पता है मसले मसाइल पेश आते हैं, और ज़ाहरी बात है जब ऐसे मसले आते हैं तो उन एप्लीकेशंस पर उन कॉइन्स के रेट गिर जाते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि एक कम्युनिटी मेरी मुझसे पूछ रही थी काफ़ी अर्से से कि सर बाइनांस पे अक्सर कॉइन्स के रेट ज़्यादा होते हैं और कॉइन बेस पे कम, और OKX पे उससे भी कम, और यूनिस्वैप पे अगर वो कॉइन कहीं पड़ा हो वो उससे भी कम, ये क्या रीज़न है। तो दोस्तों बाइनांस आपसे हमेशा इस चीज़ का पैसा वसूल करता है कि यू आर वर्किंग ऑन द ट्रस्टवर्दी प्लेटफॉर्म, तो ट्रस्टवर्दी प्लेटफॉर्म पे जब आप काम करेंगे तो उसके पैसे तो आपको पे करने पड़ेंगे। अब कॉइन बेस ने क्या, यानी कि यहाँ पर एक फनकारी लगाई है कि उसने 79 अनरजिस्टर्ड क्रिप्टो सिक्योरिटीज़, यानी कि कॉइन्स जो थे उसने अपने प्लेटफॉर्म पर सेल किए। अच्छा, अनरजिस्टर्ड को पहले मैं क्लियर कर दूँ, अनरजिस्टर्ड कॉइन ऐसा नहीं है कि जिसने लॉन्च किए उनके अनरजिस्टर्ड नहीं है, कॉइन अनरजिस्टर्ड हैं, कॉइन बेस ने अपने प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर नहीं किए। यानी कि जैसे कि मैं आपकी कोई प्रोडक्ट है, अब देखें हम जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, यहाँ पर सबसे बड़ा कबीरा गुनाह ये है कि आप किसी की तस्वीर भी नहीं लगा सकते, आप किसी की मतलब, अब NFT को समझ लें तो NFT के बारे में हम जल्दी आपको बताएंगे, लेकिन NFT का सिर्फ इतना समय जिक्र कर देता हूँ कि आप किसी का NFT खुद नहीं बेच सकते, उसको
कैमरे पे नहीं दिखा सकते। मैं यहाँ पर भी कोको कोला की या रेवलोन की या किसी भी बड़े ब्रांड की या कैसियो की या मतलब सुजुकी के ब्रांड की गाड़ी कुछ भी अगर मैं अभी दिखाता हूँ ओन, तो मुझे उसी वक्त जो है कॉपीराइट आ जाएगा, मुझे क्लोज कर दिया जाएगा। तो ये रीज़न होती है कि कॉइन बेस जैसी इतनी बड़ी एप्लीकेशन ये कैसे कर सकती है। उसमें 79 कॉइन्स उसने उनके साथ उनके मालिकों के साथ रजिस्ट्रेशन किए बगैर ही उसने अपनी एप्लीकेशन पर चला दिए, बेचने शुरू कर दिए और सस्ते रेट पे दिए। आपने अक्सर देखा होगा कि कॉइन बेस पे आपको बाइनांस के निस्बत सस्ते कॉइन मिलते होंगे, इसीलिए कि बाइनांस ने हर कॉइन को लीगली अपने प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर कर रखा है। तो इन्होंने जो है कॉइन बेस ने आपको हमेशा सस्ते कॉइन दिए बाइनांस की नस्बत। तो अब जाकर पता चलता है जनाब के इन्होंने XRP, डोज कॉइन, शिबा इनू कॉइन और बड़े कॉइन है, मैं अभी आपको बताता हूँ कि टोटल 79 कॉइन हैं जो आपको कॉइन बेस पे मिल रहे हैं। अब फिलहाल उनके ऊपर केस हो गया है, केस चल रहा है कॉइन बेस के ऊपर। तो जितने भी हमारे यूज़र हैं उनको नुकसान तो कोई नहीं होगा, मैं डरा यहाँ पर किसी को नहीं रहा कि कॉइन बेस पे उनका कोई पैसा खड़प हो जाएगा। कॉइन बेस के भी बड़े लंबे हाथ हैं, वो एडजस्टमेंट कर लेंगे चंद दिनों के अंदर अंदर। लेकिन बताने का मकसद ये है कि ये वजह होती है कि बाइनांस की नस्बत दूसरी एप्लीकेशन पर ख़रीदारी करने के, बढ़ते हैं उन कॉइन की तरफ जिनकी तादाद 79 है। तो दोस्तों ये कॉइन्स मैंने ओपन कर ली हैं कि 79 क्रिप्टोकरेंसी नेम इन द लॉ सूट इन R1 AAABEACH ADAAGLD एल्गो AMP एंकर अर्पा अटोम ऑक्शन एक्सिस, यानी कि एक लंबी लिस्ट है जिसमें XLMP है, XRP है, XTZ भी है, मतलब सारे ही कॉइन हैं। कीप है, लिंक है, लूम है, LRC, माना, मैटिक्स और सैंड, OMG, ओरन, OXT, पोली, मतलब बस छोड़ दें, कोई उसने कॉइन नहीं छोड़ा कॉइन बेस ने जो उसने अपने प्लेटफॉर्म पे इन्ना किया हो, लेकिन उनकी कंपनी के साथ कमिटमेंट नहीं की और ख़ुद ही बेचना शुरू कर दिया और अब ये केस इनके ऊपर चल रहा है। तो ये केस खैर वो जीत ही जाएंगे, कॉइन बेस वाले कोई बच्चे तो नहीं है, करोड़ों अरबों के मालिक हैं। लेकिन दोस्तों ये रीज़न होती है कि किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे बाइंग करना जिनका हमें, अब ये इतनी बारीक चीज़ें हैं कि पाकिस्तान में तो जहाँ पर हम रहते हैं यहाँ पर तो लोगों को अगर लोन लेने जाना हो तो 17-18 जगह पर जब वो साइन करते हैं उनको पता ही नहीं होता कि बैंक वाले ने उनसे कहां कहां पे साइन करवा लिए, पता ही नहीं होता। लेकिन जब वो दे नहीं पाते और बैंक वाले आके अपना हक जताते हैं तो उनको पता चलता है मैं तो उसे भी साइन कर देते सर। तो ये एक रीज़न होती है कि आप नहीं जान पाते कि आपको कहां कहां साइन कर दिए। उसी तरह ही जब क्रिप्टो में आप इन होते हैं आपको पता ही नहीं होता कि किस प्लेटफॉर्म पर आप कहते हैं यार कॉइन लेना है, बस कॉइन लेना है। कॉइन लेने के चक्कर में आपके मसाइल ही इतने ज़्यादा हैं कि आप किसी जगह पर भी ले लेते हैं। तो नो डाउट मैं कॉइन बेस होल्डर्स को यहाँ पे हरासा नहीं कर रहा, लेकिन मैंने जस्ट दोनों एप्लीकेशंस या ऑल एप्लीकेशंस के दरमियान एक फ़र्क बताया है। ऑब्वियसली ये सेटलमेंट आज नहीं तो कल हो जाएगी और मैं ही इसकी आपको रिपोर्ट दे दूंगा, लेकिन दिस इज़ द डिफरेंट। तो दोस्तों इजाज़त चाहता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। उम्मीद है कि आज आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारी मिडनाइट वीडियो क्रिप्टो मार्केट की अपडेट की मिलती रहे तो हमारे सपोर्टिंग चैनल अलमक्का टेक बाय उस्मान हुसैन को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।